Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm back with another vlog. So lockdown ke baad itne time baad hum log ghumne ja rahe hain. Abhi lockdown khula hai to hum log ghumne ja rahe hain. So mere saath saath chalna aap log, theek hai? Main aapko sab dikhaungi hum log kahan kahan ghumte hain. And let me show you the place. साथ चलना, मैं आपको सब कुछ घुमाऊंगी. ओके सो गाइज, हम लोग बहुत टाइम बाद हम आ रहे थे तो हम भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं. हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो लेट मी शो यू. हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है? ये रे मेरे डैड और हम लोग यहाँ पे आए हैं. मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या खा रहे हैं, ठीक है? मैंने मास्क लगाया हुआ है बिकॉज हम बाहर हैं, तो मास्क मुझे नहीं उतारना चाहिए, बट फिर भी मैं उतार देती हूँ. ओके सो आई विल शो यू अराउंड. सी ओके सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग स्टड फॉर्म में आए हैं. ये बहुत सारी हैंज है यार, मुझे पता है बहुत डर लगता है हैंज से, ये पीछे पड़ जाती हैं सारी. वाओ, व्हाट अ ब्लैक ब्यूटी, इतना स्मार्ट हॉर्स है ना. मैं इनके पास नहीं जा रही हूँ हैंज के, मेरे को आगे जाने में डर लग रहा है यार. ये देखो भाग के आ रही हैं, मतलब ये पीछे पड़ जाते हैं यार, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं ना जा नहीं रही हूँ वहाँ पर. इनकी तरफ देख देख के जा रही हूँ ताकि मेरे पीछे ना आए ये. ये देखो ये छोटा हॉर्स है और कितनी प्यारी है ये. दिस इज़ लाइक स्मॉल, सो दिस इज़ लाइक स्टेबल. एंड इन सबको यहाँ पर रखा हुआ है, इन सबको एक साथ ही रख सकते हैं बिकॉज लाइक दे आर मेल हॉर्सेज, तो इन सबको एक साथ रखते हैं ना, तो ये सारे लाइक लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को काट लेते हैं. और हमने मैंने इनसे पूछा कि आप इनको एक साथ नहीं रख सकते, उन्होंने बोला कि नहीं, एक दूसरे को काट देते हैं, काट काट के एंड मतलब खून कर देते हैं एकदम, इसलिए इनको साथ में नहीं रख सकते. तो ये देखो कितने प्यारे हैं, और मुझे पता है बहुत ही डर लग रहा है. कई बार ये ना पीछे से आ जाते हैं, एकदम से पता भी नहीं लगता पीछे से. ये देखो ये है ना, जैसे यहाँ पे एक साथ, ये देखो, ओ माय गॉड, मुझे एकदम में तो एकदम से डर जाती हूँ रहता कि एकदम से आ जाते हैं. ये जो है ना, ये बार बार अंदर पहले वॉक करता है, घूमता है और फिर बाहर आके इससे मिलता है, ठीक है? अभी फिर अंदर जाएगा, अभी थोड़ा सा घूमेगा इधर उधर, एंड देन ये फिर बाहर आ जाएगा. ऐसे ही कर रहा है ये कब से, मतलब जब से हम यहाँ पे खड़े हैं, ही इज़ डूइंग द सेम थिंग. देखो अब नाउ ही वॉक, ऐसे गोल गोल घूमेगा एंड देन ही कम आउट अगैन. अभी फिर से बाहर आएगा ये. देखो ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है. ये एनिमल्स का स्विमिंग पूल है वैसे तो, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं. ये मेरे मम्मा पापा एंड मेरे ब्रदर सिस्टर खड़े हैं. वहाँ पे आगे डक्स हैं, ये जो अंकल हैं यहाँ के ओनर हैं, तो यहाँ पे जो डक्स हैं उनको खाना खिला रहे हैं. हमें तो बहुत डर लगता है यार, पता है मेरे पिछले स्कूल में डक्स होती थी तो मुझे बहुत डर लगता था. ये देखो ये सब फिशेस को खाना खिला रहे हैं, पता है वो ना पानी में ऐसे करके हाथ हिलाते हैं ना, तो वो फिशेस आ जाती हैं. उन्हें लगता है कि हमें कोई खाना डाल रहा है, तो वो फिशेस एकदम से आ जाती हैं, फिर खाना पकड़ लेती हैं वो. ये देखो डक्स कितना इंजॉय कर रही हैं यार. ये सारे स्विमिंग कर रहे हैं. हाँ उन्होंने बोला कि ना ये इनको बहुत सारा खाना लाइक 20 चपातीस एक दिन में देनी पड़ती हैं, क्योंकि सारे दिन एक्सरसाइज करती हैं ना. हाय गाइस, देखो ये चैंपियन है, इसने रेस भी जीती थी, बहुत सारी रेस इसने जीती, इसके स्टैम्प्स भी लगे हैं बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है? बहुत सारे स्टैम्प्स लगे और अच्छी वॉक है, मतलब ऐसे जंप कर करके वॉक करता है ये, बहुत ही सबसे अलग घोड़ा है यहाँ पे. इसका नाम है विराट एंड मतलब इसका ब्लड इतना हॉट है, इतना गर्म है इसका ब्लड, मतलब ये हर टाइम गुस्से में रहता है एक तो, और ये चैम्पियन है
छत्तीसगढ़ चैम्पियन है ये, एंड लाइक इसकी वॉक देखो, मतलब ऐसे डांस करता हुआ चलता है ना, ऐसे जंप जंप लेके चलता है ये, बहुत ही स्मार्ट वॉक करता है ये, मतलब इतना स्मार्ट सा घोड़ा लगता है, इतना शाइन है इसमें, इसके जो बॉडी है इतनी शाइन करती है। देखो आप इसके स्टैम्प देख सकते हो, इसके स्टैम्प्स लगे हुए हैं बिकॉज दिस हॉर्स इज चैम्पियन, तो मतलब पता है इसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता बिकॉज ये बहुत ही गुस्से वाला हॉर्स है। बट यार इट वॉज नाइस, बहुत ही मज़ा आया इसको देख के, स्मार्ट है। First love, we were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun, 2009, we were feeling high. And I got drunk for the first time, I thought I was cool, I thought I looked smooth in your eyes and tried to. तो हम यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे यहाँ पे भी हॉर्स हैं, मैं इसको हैंड लगा रही हूँ, मुझे पता है इतना प्यारा लग रहा था यार, ये इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इसके हेयर्स थे जो इतने अच्छे थे, इतनी सॉफ्ट स्किन होती है इनकी यार, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। ये मेरे पापा हैं, पापा को बिल्कुल डर नहीं लग रहा इसलिए वो हॉर्स के पास चले गए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे इतना बुला रहे थे कि अंदर आ जाओ, पर मैं नहीं गई बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा था यार, वो कुछ भी नहीं कहते हैं हॉर्स, बट स्टिल होता है एक डर लगता है यार। बहुत ही सॉफ्ट था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, इसके हेयर बहुत अच्छे थे एंड वॉज वेरी स्मार्ट हॉर्स। और अब इन हॉर्सेस का एक्सरसाइज टाइम शुरू हो चुका है, इन सब की एक्सरसाइज चल रही है, देखो इनको सबको ना भगा रहे हैं, वो बोल बोल के भगा रहे थे इन सबको, ऑब्वियसली इनको बहुत एक्सरसाइज करानी पड़ती है बिकॉज इनको आगे भागना ही होता है। सो लुक एट दिस, लुक एट दिस, मतलब इतने मस्त लग रहे थे यार भागते हुए, आप देख भी सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो ये सारे ऐसे भागते हैं, पता है खेलते भी हैं ये आपस में, एंड यू कैन सी मतलब जो वाइट वाले हैं ना एकदम यूनिकॉर्न लग रहे हैं, बिल्कुल यूनिकॉर्न जैसे लग रहे थे। एंड एक्सरसाइज टाइम चल रहा है इनका, सो दे वर रनिंग, एंड ये ब्लैक वाला तो इतना एनर्जेटिक है मैं क्या बताऊँ, मतलब सभी रुक गए थे पर ये ब्लैक वाला भाग ही रहा था, अब ये वाइट वाले हैं, देखो ये एक साथ आ रहे हैं, मतलब दे आर सीमिंगली। और अब हम लोग आए हैं कॉटन फैक्ट्री में, लेट मी शो यू, आई शो यू द कॉटन फैक्ट्री ऑल्सो। सो दिस इज़ द कॉटन फैक्ट्री, ये मशीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं जहाँ पे काम किया जाता है, ये जो अंकल हैं हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको पता है कि लाइक क्या क्या होता है, सब समझा रहे हैं क्या साइकिल, क्या प्रोसेस होता है कॉटन बनने का, ठीक है। तो ये सारी इसमें कॉटन थी, कॉटन बनती है, बहुत सारी मशीन्स एज यू कैन सी हियर, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया। एंड ये था जो ये है कि जो सरसों, यू नो व्हाट इज सरसों, ठीक है ऐसे सरसों बोलते हैं, ये क्लीन हो रही है, आपको दिख रहा है ये इसमें इन्होंने अभी जो ये जो बोरी थी सैक था इसमें इन्होंने वो मारा एक पिन किया है ना, तो पिन करके ये चेक करते हैं कि लाइक क्लीन है या नहीं, उसमें टेस्ट करके देखते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे एक चीज़ बन के आ रही, ये जो चीज़ है ना ये आती है जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने के, उनका फूड होता है, ठीक है, तो वो उनका सब फूड वगैरह होता है, बहुत ऑयली होता है वो, तो ये सब एनिमल्स के खाने के काम आती है। सो यहाँ पे ऑयल भी बनता है, देखो पाइप्स में लास्ट ऑयल, मतलब कितना क्लीन ऑयल है, एज यू कैन सी, कैन यू सी दिस, कितना क्लीन ऑयल है ये, लास्ट में इतना प्योरीफाई होके ऑयल आ जाता है, बट इसमें ना बहुत सारे मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर हो जाता है, तो लास्ट में आकर जब हमारे पास आता है इतना क्लीन। सो गाइज नाउ हम आए हैं नर्सरी में, एंड ये प्लांट्स इतने प्यारे लग रहे हैं, मतलब यहाँ पता है वैसे इतनी हॉट क्लाइमेट था, बट इन प्लांट्स के पास आके इतना कूल कूल लग रहा है, इतने अमेजिंग प्लांट्स हैं, मतलब मुझे तो प्लांट्स वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, एंड माय मदर इज़ डाई हार्ट फैन ऑफ प्लांट्स,
तो वो हर टाइम प्लांटिंग प्लांटिंग करती रहती हैं, तो उनको भी नए प्लांट्स चाहिए थे। सो हम यहाँ पे नए नए प्लांट्स लेने आए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, मतलब प्लांट्स को देख के इतना कूल कूल लगता है ना। सो गाइज यू शुड ऑल्सो प्लांट ट्रीज, ओके। सो इज़ माई डैड एंड ही इज़ ऑल्सो बाइंग पौधे प्लांट्स। सो गाइज नाउ आई विल शो यू, यू नो दिस इज़ अ हट, दिस इज़ अ वेरी कूल हट, वेरी अमेजिंग हट। एज यू कैन सी माई फादर इज़ इन्जॉइंग इन दिस हट, ओके। यहाँ ये नेचुरल कूलर हट है, कूल रहती है। पता है बाहर इतना हॉट क्लाइमेट होता है बट अंदर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग सारे बाहर से यहाँ हट के अंदर आ गए हैं। ये नर्सरी में एक हट बनी हुई है तो ये नेचुरल कूल रहती है, यहाँ पे किसी फ़ैन या उसकी ज़रूरत नहीं होती। देखो कितने सुंदर पॉट्स हैं प्लांट प्लांटर्स, सो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये अलग अलग प्लांट्स पॉट्स। तो ऑल्सो लाइक आई एम वेरी इंजॉइंग इन दिस नर्सरी, एज दिस इज़ वेरी कूल एंड इट गिव्स अस लाइक बहुत ही फ्रेश कर दिए। ओ दिखाओ मैं आपको कैक्टस दिखाती हूँ, कैक्टस देखा आपने, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे प्लांट्स पड़े हैं, कैक्टस भी था यहाँ पे। एक बार हाथ लगा के देखो कैक्टस को, पता लगेगा इतना तीखा होता है ना। मैंने हाथ लगाया कभी, इतनी ज़ोर से लगती है ना उस कैक्टस की, मतलब। चलो माय पेरेंट्स आर डिसाइडिंग कि कौन सा प्लांट लेना चाहिए, तब तक आई एम जस्ट गोइंग हेयर। सो गाइस फाइनली वी आर वे बैक टू होम, वी आर गोइंग बैक होम एंड वी एंजॉयड अ लॉट। I hope you enjoyed the videos. So guys, don't forget to like, subscribe and share my channel, my video. See you in the next vlog. Bye-bye.